हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस पे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास टेंथ के फिफ्थ चैप्टर की थर्ड एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर है हमारा थर्ड पार्ट फोर। स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट में हमें A3 गिवन है, मतलब थर्ड टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, A3 को A प्लस 2D। कितना गिवन है? 15। तो ये इक्वेशन बन गई स्टूडेंट्स, A प्लस 2D इज इक्वल टू 15 इक्वेशन फर्स्ट। अब आगे हमें गिवन है F10 इज इक्वल टू 125। कहने का मतलब 10 टर्म्स का जो सम है वो कितना है? 125। तो हम सम का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, Sn इज इक्वल टू n बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये सम का फॉर्मूला है। कितनी टर्म्स गिवन है? 10 टर्म्स है। हम 10 टर्म्स का सम निकालेंगे, n की वैल्यू 10 हो गई, 10 बाय 2a प्लस 10 माइनस 1 9d, ठीक है। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें S10 की वैल्यू गिवन भी है, कितनी है? 125। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम S10 लिख के ये लिखेंगे, फिर उसके बाद में दोबारा से कर लेते हैं ये। यहाँ पे हम लिखेंगे S10 के इक्वल में कितना हो जाएगा ये 125, 10 बाय 2 कितना हो जाएगा 5, 2a प्लस 9d। और जो ये 5 मल्टीप्लाई में है ये क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई जो 5 है वो कैंसिल हो जाएगा कितने पे? 25 पे, ठीक है। तो अब इक्वेशन बनी है सेकंड, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। समझ आ गया होगा, थर्ड टर्म गिवन थी उसको तो हमने सिंपली लिख दिया a प्लस 2d इक्वल टू 15, और यहाँ पे हमें सेकंड जो हमें गिवन था 10 टर्म्स का सम वो गिवन है 125, और ये कैंसिल होकर कितना रह गया? 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। तो अब हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे दोनों इक्वेशन सॉल्व कैसे करेंगे? जो पीछे वाले क्वेश्चन हमने किए हैं उनमें दोनों जो कोफिशियंट है वो क्या होते हैं? यहाँ पे इक्वल होते हैं, चाहे a का हो चाहे d का हो। यहाँ पे d का भी कितना गिवन है? 9, और यहाँ पे d का 2 है। a का कितना है? 2, और यहाँ पे a का 1 ही है। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से ही क्यों? क्योंकि हम a वाले क्या कर रहे हैं? इक्वल कर रहे हैं। अब हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 2a 2 इंटू 2 4d इज इक्वल टू 30। समझ आ गया होगा, हमने यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन गिवन थी उसको 2 से मल्टीप्लाई किया है और ये इक्वेशन बन गई थर्ड, ठीक है। अब हम सॉल्व किसको करेंगे? सॉल्व करेंगे सेकंड और थर्ड को। तो अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, सेकंड है और ये थर्ड है। हम एक काम करते हैं, जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चंस में सॉल्व किया है, थर्ड को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड बाय सेकंड, थर्ड में से सेकंड माइनस, ये थर्ड को माइनस कर रहे हैं सेकंड में से। तो यहाँ पे जब थर्ड माइनस कर रहे हैं तो साइन क्या हो जाएगा? चेंज, 2a से 2a कैंसिल, 9 माइनस 4 5d, एंड ये कितना हो जाएगा? माइनस 5, एंड d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस 5/5 कैंसिल होके कितना? माइनस 1। समझ आ गया होगा, d की वैल्यू कितनी आई है? माइनस 1, और ये d की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। अब फर्स्ट कौन सी थी? यही थी फर्स्ट, बस इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में d की वैल्यू पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी? a प्लस 2d इज इक्वल टू 15। जो ये फर्स्ट थी इसको हम क्या करेंगे, d की वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे।
डी इज इक्वल टू माइनस वन इन फर्स्ट, ए प्लस टू डी की जगह माइनस वन इक्वल टू फिफ्टीन, ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15, माइनस टू इक्वल के दूसरी साइड होके प्लस टू हो जाएगा, 15 प्लस टू कितना हो जाएगा 17। तो स्टूडेंट समझ आ गया होगा ए की वैल्यू कितनी आई है 17 एंड डी की वैल्यू कितनी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डी की वैल्यू माइनस वन, ए की वैल्यू 17 आई है, हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है, ए 10। तो अगर हमें बोल दे ए 10 फाइंड करो, तो हम ए 10 कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस नाइन डी, ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है 17 प्लस नाइन, डी की वैल्यू कितनी है माइनस वन, 17 माइनस नाइन कितना हो जाएगा, क्योंकि नाइन वन जो नाइन ही होता है और माइनस का साइन प्लस माइनस माइनस होगी, कितना रह जाएगा 17 माइनस नाइन एंड आंसर कितना रहेगा 8। तो ए 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन समझ आ गया होगा, थोड़ा लेंथी है पर आप जो जो फॉर्मूले इनमें गिवन है बस उसमें वैल्यू ही पुट करनी है। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट d इज इक्वल टू 5, s 9 इज इक्वल टू 75, फाइंड a एंड a 9, मतलब हमें सम गिवन है 9 टर्म्स का 75, कॉमन डिफरेंस गिवन है 5, a फाइंड करना है एंड a 9 मतलब 9th टर्म फाइंड करनी है। सॉल्व कैसे करेंगे, s 9 गिवन है मतलब सम ऑफ 9 टर्म्स, s 9 क्या हो जाएगा n by 2, 9 by 2 2a प्लस n माइनस 1, 9 माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह 5, ठीक है, s 9 है कितना 75 के इक्वल, तो ये हो जाएगा 9 बाय 2 2a प्लस 9 माइनस 1 8, 8 मल्टीप्लाई 5 40, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स 75 इज इक्वल टू 9 बाय 2, अगर हम यहाँ से 2 कॉमन लें तो कितना हो जाएगा 2, अगर हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तो सिंपल रह जाएगा a प्लस 20, ठीक है, मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करने पे 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 40 से 2 कैंसिल करोगे तो 20, ठीक है। और अब हम यहाँ से 2 कॉमन लेने के बाद 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो 9 है मल्टीप्लाई में है 75 के, क्या हो जाएगा डिवाइड में, और रह जाएगा a प्लस 20, कितने पे कैंसिल होगा 3 के टेबल में, 3 के टेबल में कितने पे, 3 के टेबल में 3 पे एंड ये हो जाएगा 25 पे, ठीक है। अब आंसर आ गया कितना a प्लस 20 इज इक्वल टू 25 बाय 3 एंड a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 बाय 3 माइनस 20, समझ आ रहा होगा कि हमें इसको सॉल्व करके a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a प्लस 20 इज इक्वल टू 25 बाय 3 एंड प्लस का 20 इक्वल के दूसरी साइड होके माइनस हो जाएगा, और अब हम क्या करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 माइनस 60 बाय 3, आंसर कितना आएगा 10 में से 5 माइनस करोगे 5 एंड यहाँ पे 5 माइनस 2 35 बाय 3 और नेगेटिव साइन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ए की वैल्यू कितनी आई है माइनस के 35 बाय 3। अब हमें ए 9 फाइंड करना है, ए 9 का मतलब ए प्लस 8 डी, ए की वैल्यू माइनस के 35 बाय 3 प्लस 8 एंड डी की वैल्यू 5। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं और a9 की वैल्यू फाइंड करेंगे, कितना हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 5 40, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 35 प्लस ये 3 से मल्टीप्लाई होके 120 बाय में 3, जब माइनस करेंगे तो 10 माइनस 5 5 1 1 11 हो गया, 11 माइनस 3 85 बाय 3 और साइन क्या आ जाएगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे a9 की वैल्यू आ गई 85 बाय 3। तो स्टूडेंट्स तो ये क्वेश्चन कंप्लीट है। तो
जो थर्ड क्वेश्चन है उसके फाइव पार्ट हमने डिस्कस कर लिया, नेक्स्ट फाइव पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।